हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं मेंदू बड़ा बना रही हूँ। देखिए आप उसकी रेसिपी, मेंदू बड़ा। उसके लिए क्या क्या लगेगा? ये उड़द की दाल है, ये 125 ग्राम उड़द की दाल है। आप 250 ग्राम, 500 ग्राम जितना भी चाहे ले सकते हैं, पर ये मेरे को, मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए मैंने 125 ग्राम दाल फुला दी थी। इसको मैंने 2-3 घंटे फुला दी थी, इसको मैंने पीस के इसको रख ली हूँ। धुली वाली उड़द की दाल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा? ये कड़ी पत्ता है, ये अदरक है और ये मिर्ची है। ये हम इसमें मिलाएंगे। ये नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अब मैं गैस ऑन करूंगी। अब मैं ये दाल को फेटूंगी। जितना हम फेटेंगे दाल को, उतने हमारे मेदू बड़ा सॉफ्ट बनेंगे। दाल को 5-7 मिनट फेंट दी हूँ। अब ऑयल हमारा गरम हो रहा है। अब हम हाथ में तेल पानी लगाएंगे। और इसको ऐसा गोल गोल बना लेंगे। ये तो गोल गोल बना लिया हमने ऐसा। अब इसमें बीच में ऐसे होल कर देंगे। हम इसको ऐसे ऑयल में डाल देंगे। ऐसे लड्डू बनाएंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा चपटा करेंगे और फिर ऐसे होल करके इसको ऐसे ऑयल में डाल देंगे। ये ऐसे लड्डू बना लिए। अब इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अंगूठे से ऐसा होल करेंगे। जितना कढ़ाई में आ सकता है उतना हम डाल देंगे। ये ऐसा होल करेंगे और ऐसे देखिए मेंदू वड़ा हमारे बन के तैयार हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम टिश्यू पेपर पे इसको निकाल के रख लेंगे तो ये एक्स्ट्रा तेल इसका, ऑयल इसका, एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाएगा। देखिए मेदू बड़ा हमारा बन के तैयार हो गया है। ये ग्रीन चटनी है, कोकोनट की चटनी है, ये इमली की चटनी है, टमाटर सॉस है और ये मेंदू बड़ा है। इसको हम सांभर के साथ भी खा सकते हैं।
जिसके भी साथ आपको खाना है आप खाइए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको सांभर के साथ ही खाना चाहिए, इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं, पर सांभर के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। आप मेंदू बड़ा ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ कमेंट्स आपको लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अपने वीडियो में और कुछ सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।